हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रणशाला देख आते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही हैं। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता ना करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं। देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूं। महाराज की आज्ञा है आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि न रहे, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। जी। सुंदर, क्या आवभगत हो रही है? लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। कुछ आ गया? अभी कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुला लेंगे। जी अवश्य। युहार स्वामी, विशेश्वर अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? दो लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला ना दे। स्वामी, इसीलिए उसे वहां रखा गया है। दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देख आते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही हैं। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता ना करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। चले दाऊ भैया। चलिए। Thank you.
कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया, हाँ? ये सुगंध कहां से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। हटो, हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो अपने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहके उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कहके उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंगवार तो आ ही जाता है, ये व्यंगवार तो आ ही जाता है कि देखो वो कुब्जा जा रही है, वो कुब्जा जा रही है, उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ, परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है, सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती, परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है, एक एक कुबड़ी शरीर कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है। हाँ हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। हाँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती,
ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो आप कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूं। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूं। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूं कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली, अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं, जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु, इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज, तुम्हें देखने के पश्चात तो
अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूं, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। बोलो क्या चाहिए। प्रभु अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है। तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंग राग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी। परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। सिर धरी बोले वचन अंग